टॉलरेंस का पूरे देश के अंदर माहौल बनाया गया। मुझे उम्मीद है कि अब ये सब बंद होगा और लोगों के बीच में, धर्मों के बीच में, जातियों के बीच में प्यार और मोहब्बत की राजनीति कायम होगी। दूसरी चीज, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के काम के ऊपर और काम करने के स्टाइल के ऊपर, एक तरह से बिहार के ये चुनाव के नतीजे एक तरह से रेफरेंडम है। मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह की जो जोड़ी है, उनका जो गरूर है, उनका जो अभिमान है, कांग्रेस को जो अभिमान 7-8 साल के राज के बाद हुआ था, ऐसा लगता है इस जोड़ी को वो अभिमान एक साल के अंदर ही हो गया। जो उनकी डिक्टेटरशिप है, जो उनका गरूर है, इस चुनाव के नतीजों ने उस गरूर को तोड़ा है। लोगों ने यह संकेत दिया है कि अब हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र के अंदर उनके मंत्रियों को काम करने की स्वतंत्रता मिलेगी, बीजेपी के अंदर उनके अपने एमपी एमएलए कार्यकर्ताओं की इज्जत होगी, दिल्ली के अंदर जिस तरह से केंद्र सरकार नाजायज और असंवैधानिक तरीके से हस्तक्षेप कर रही थी, हम उम्मीद करते हैं कि वो बंद होगा। पूरा देश देख रहा था कि किस तरह से दिल्ली के अंदर एक चुनी हुई सरकार को, इतने भारी बहुमत से चुनी हुई सरकार को, केंद्र सरकार बार बार असंवैधानिक तरीके से, रोज गलत तरीके से हस्तक्षेप कर रही थी। हम उम्मीद करते हैं कि अब बंद होगा। हम उम्मीद करते हैं कि अन्य राज्यों के अंदर भी केंद्र सरकार का हस्तक्षेप बंद होगा।